The next is democratic condition. The first official census was conducted in the year of 1881. The year 1921 is described as the year of the Great Divide. तो 1921 का जो साल माना जाता है, यहीं से हम इसको जानते हैं, ईयर ऑफ द ग्रेट डिवाइड. यहाँ पर बहुत सारे चेंजेस देखने को मिले, बहुत सारी चीज़ों की ऐसी स्टार्टिंग हुई थी, लेकिन जो सेंसस की जो स्टार्टिंग है वो इंडिया में 1881 से मानी जाती है. तो हाई बर्थ रेट एंड डेथ रेट, जो फैसिलिटी थी, जो हेल्थ फैसिलिटी थी, वो ना के बराबर थी. तो इसीलिए जो हाई बर्थ रेट था और डेथ रेट था वो बहुत ज़्यादा, मतलब उसका जो एक तरह से अंतर था वो बहुत ज़्यादा हो गया था, क्योंकि लोगों को कुछ भी नॉलेज नहीं था और हेल्थ फैसिलिटी, डॉक्टर्स वगैरह नहीं थे, फैसिलिटी नहीं मिल पाती थी. तो इसीलिए जो डेथ रेट था वो भी बहुत ज़्यादा हो गया था. हाई इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट. हाई इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, इट रेफर्स टू डेथ रेट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ वन ईयर. जो लोग, जो बच्चे थे वो एक साल से पहले ही, क्योंकि हेल्थ फैसिलिटी ना होने के बराबर जो लोग थे वो अननोन थे, मतलब एक तरह से उन लोगों को कोई भी जानकारी नहीं थी. तो जो बच्चा था, कभी बीमार भी होता था तो वो वन ईयर, या फिर उसको हेल्थ फैसिलिटी नहीं मिल पाती थी, तो वो वन ईयर पहले ही वो उसकी डेथ हो जाती थी. लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी में, लाइफ एक्सपेक्टेंसी मीन्स द नंबर ऑफ द ईयर ऑफ अ न्यू बॉर्न चाइल्ड ऑन एवरेज इज एक्सपेक्टेड टू लिव. इट वॉज एज लो एज 32 ईयर्स. मतलब लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब है कि जो लोग थे 32 ईयर्स के जो लोग थे वो ज़्यादा नहीं जी पाते थे. ठीक है, न्यू बॉर्न बेबी ऑन द एवरेज ऑफ इज़ एक्सपेक्टेड, अगर वो जीना भी चाहता है तो, मतलब जीने की जो चाह थी वो बहुत कम हो चुकी थी, क्योंकि हेल्थ फैसिलिटी की जो सुविधाएं थी वो ना के बराबर थी. मास लिटरेसी, मतलब जो अज्ञानता थी, अशिक्षा थी, वो बहुत ज़्यादा थी. मास लिटरेसी अमंग द पीपल ऑफ कंट्री इज टेकन एज अ इंडिकेटर ऑफ इट्स पॉवर्टी एंड बैकवर्डनेस. ठीक है, मास लिटरेसी मतलब जो लोग थे बहुत ज़्यादा अनपढ़ थे, गवर्नमेंट ने इस तरह कोई ध्यान नहीं दिया, और जो स्कूल वगैरह थे वो वहाँ पर भी उसने कोई भी फैसिलिटी नहीं दी. ठीक है, तो वो यही चाहती थी गवर्नमेंट जो थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट, वही चाहती थी कि जो लोग हैं वो इलिटरेट हों, ज़्यादा से ज़्यादा अनपढ़ हों, उनको कहीं ना कहीं उनको डोमिनेंट करने को मिल सके. वो उसके ऊपर डोमिनेंट कर दिया. नेक्स्ट इज लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. क्योंकि देखिए, अब इलिटरेसी है तो लोगों को कोई भी नॉलेज नहीं होगी, तो इससे क्या होगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या होगा, अपने आप ही लो हो जाएगा. तो यहाँ पर जो डेमोक्रेटिक कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा पुअर थी. जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने इस तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिया. नाउ द नेक्स्ट इज ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर. ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में कह रहे हैं कि ब्रिटिश रूल में जो डिफरेंट जो इंडस्ट्रियल जो सेक्टर थे उसमें उसने कोई भी ध्यान नहीं दिया. जो भी लेबर्स उसमें लगी थी, कौन किस सेक्टर में काम कर रहा है, किसकी सैलरी कितनी होनी चाहिए, किसका वेजेस कितना होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं था. लेकिन कह रहे हैं कि यहाँ पे जो एग्रीकल्चर जो फील्ड था वो सबसे बड़ा ऑक्यूपेशन था उस टाइम पे, क्योंकि वहाँ पर आपको पहले भी बताया कि 85 जो परसेंट जो पॉपुलेशन थी वो एग्रीकल्चर की फील्ड में इन्वॉल्व थी, और अलग अलग लोगों को इसमें जैसे जो ऑक्यूपेशन था या जो रोज़गार था वो मिल पाता था. बहुत मुश्किल होती थी, लेकिन अगर हम एरिया वाइज बात करें तो इसमें एक बहुत बड़ी डिफ़िकल्टी थी उस टाइम पे. जो मद्रास प्रेसिडेंसी थी, आज हम तमिलनाडु, आंध्रा, कर्नाटक और केरल के जो एरिया हैं वहाँ पर जो देखते हैं, ये सारे के सारे उस टाइम पे मद्रास या फिर चेन्नई जो प्रेसिडेंसी के नाम से जाना जाता है. और जो एग्रीकल्चर जो फील्ड है उसमें, इसमें इंडिपेंडेंट पे लोगों की कमी आ रही थी, क्योंकि लोग जो थे ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री की तरफ वो जो थे जा रहे थे. और इससे क्या हो रहा था कि यहाँ पर जो लोग थे एग्रीकल्चर की फील्ड में ना आने की वजह से यहाँ पर जो एग्रीकल्चर का जो फील्ड था वो लो हो रहा था, इसका जो लेवल था वो घटता जा रहा था. और इसी टाइमिंग में कह रहे हैं कि यहाँ पर पंजाब, राजस्थान, उड़ीसा और ऐसी जगहों में जो लोग थे, जो लेबर थे, जो फार्मर्स थे वो लगे हुए थे, उनको देखा गया तो उनकी जो क्वान्टिटी थी, जो उनके नंबर्स थे वो बहुत कम थे. मतलब वहाँ पर ये देखा गया लास्ट में कि जो जो लोग हैं वो वहाँ पर क्यों नहीं लगना चाहते. ठीक है, ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर मीन्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वर्क फोर्स अमंग डिफरेंट सेक्टर ऑफ एन इकोनॉमी, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर. तो ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर को यहाँ पर जो लेबर्स की अगर बात की जाए कि कितने लेबर कहाँ पर हैं, कितने लेबर एग्रीकल्चर फील्ड में है, कितने इंडस्ट्रियल फील्ड में है, कितने कहाँ पर है, तो इन चीज़ों को नापने के लिए, मेज़र करने के लिए सारी चीज़ें देखी गई. तो इसमें हमने तीन पार्ट में इसको डिवाइड किया, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर. तो प्राइमरी सेक्टर इसमें हम कौन कौन सी चीज़ें रख सकते हैं, कौन कौन से फील्ड को रख सकते हैं. प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर है, फॉरेस्ट्री है, फिशरीज़ है, प्लांटेशन है, माइनिंग, ये सारी चीज़ें, ये सारे सेक्टर प्राइमरी सेक्टर में आते हैं. और सेकेंडरी सेक्टर में था स्मॉल एंड इंडस्ट्रियल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, ये सारी चीज़ें जो थी सेकेंडरी सेक्टर में थी. और टर्शियरी सेक्टर में था ट्रेड एंड कॉमर्स, ट्रांसपोर्ट,
अदर सर्विसेज, जो ट्रेड है, जितने भी बड़े बड़े जो उद्योग धंधे थे, जो ट्रेड थे, कमर्शियल था, ट्रांसपोर्ट था, या फिर अदर जो सर्विसेज थी, वो आपकी टर्शरी सेक्टर में आती थी। तो इसके बाद